मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई, ईडी कोर्ट में पेश करेगी। कल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई के बाद अब ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी शुक्रवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। यहां एजेंसी उनकी रिमांड मांग सकती है। सिसोदिया को ईडी ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। उधर सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 जनवरी को 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च या 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। ईडी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। इससे पहले 7 मार्च को एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईडी की टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। ईडी ने बताया था कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली की व्यापारियों ने 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन आरोपियों ने सिसोदिया का नाम लिया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।